सेम फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा ताकतवर है। Apologies. My description was not accurate. In my eyes, you appear the way you are. Wow. तुम जैसे हो वैसे दिखते हो। बहुत बढ़िया। तो हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैड सर। तो आज हम खेलने जा रहे हैं एक नया गेम जो कि है वदरिंग वेव्स। यहाँ पे अपना जो मेल करेक्टर है नॉर्मल दिख रहा है, मतलब वही जो तुम्हारा जेनरिक प्रोटैगनिस्ट होता है ना जो एनीमे में, वैसा दिख रहा है। और फीमेल प्रोटैगनिस्ट देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आई सैड मेकअप ज़्यादा है तो इसको ही लेते हैं भाई, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि मैं हर गेम में भाई मेल करेक्टर लेके खेलता, तो इसमें भाई हम लेके फीमेल करेक्टर लेके खेलेंगे। ओके, हमारे छाती पे छेद हो गया है पहले 10 सेकेंड में इस गेम चालू होते ही। कुछ तो हो रहा है, मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं देख रहा हूँ बस। आई ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ऐसा भी आइडिया आ रहा है अभी, क्योंकि स्टोरी इसी तरह चालू होता है। और हमें यहाँ पे निकाल दिया गया लात मार के शायद तक। सही में है कौन अभी, आइडिया नहीं, क्या पता बाद में जाके पता चलेगा। ब्लैक होल से डायरेक्ट समुद्र में या नदी में, पता नहीं कहाँ पर है। ये क्या हो रहा है, व्हाट, उल्टा है भाई, समुद्र आसमान की जगह में, बहुत ही बढ़िया, ये तो सही चीज है। वेकी वेकी, अबे खो चुके हैं जन्नत पे आ गए लगता है डायरेक्ट मार के। अच्छा तो ये हमारे गाइड बनेंगे, चलो भाई ये हमारे पाइमोन है दो बड़े बड़े। और हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि मैं गेंशिन के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है ज्यादा। तो हमारा गेम यहाँ पे चालू होने वाला है, ये चैप्टर 1 एक्ट 1 अट्रेंस ऑफ, मैं पढ़ नहीं पाया और मेरा गेम लैग हो गया। हेलो Damn, the lag is insane. Oh, बताते रहो, मैं कुछ बकवास कर रहा तक, मैं चढ़ते चढ़ते भाई कमल में उठा रहा हूँ, ये सब उठा रहा हूँ। W and L shift, what? ये क्या, मैं इस पार्ट में जैसे अभी चढ़ाई की इसमें। Oh my, speak of the devil. अरे भाई आजा। Oh my, lag is insane भाई। मेरे ख्याल से भाई ये गेम अभी चालू हो रहा है, इसके लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। और हम स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स गो। ठीक से क्या होता है, अपने पास एलिमेंटल स्किल है, परफॉर्म अटैक टू गेन फोर्ट। अच्छा, कॉम्बो मारना है जिससे हमें वो बार भरना है, अटैक भरने के बाद ये दबाना है। अच्छा, ये काइंड ऑफ एलिमेंटल बस्ट जैसा है, बस हम इसको भर क्यों मार सकते हैं। Got it. और दो मार सकते हैं, हाँ चलना भी भूल जाते हैं इसके हिसाब से, अब नहीं दिया है तो मतलब। तो बहुत जेनरिक प्लॉट दिखा रहे हो अभी तक, तो मुझे पता है एनीमे का, मतलब एनीमे बोलता किसी भी गेम या स्टोरी का बहुत जेनरिक है, मतलब बहुत नॉर्मल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अरे आ जाओ भाई, अब लैग नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं है। अरे आ जाओ, अरे अल्टीमेट दवाई, लेट्स गो। आर एस अल्टीमेट है, किससे होना चाहिए था, पर आल मेरे ख्याल से हम ठीक कर सकते हैं। डॉज कैसे करते हैं, ओह डॉज कर लिया, स्पीडिंग अप, ओह हम करेक्टर मिल गया फ्री का भाई। चल ना भाई, कितना गेम खेला है भाई, हम डॉज करने का आइडिया ले। अच्छा इसको परफेक्ट डॉज है मेरे ख्याल से, जिस तरह से मैं डॉज किया तो परफेक्ट टाइमिंग है, देखते हो चलो। परफेक्ट डॉज, अच्छा परफेक्ट डॉज है इसमें, ये सही चीज है। इजी वन, मैंने सुना है गेम ये गेंशिन जैसा नहीं है, मतलब गेंशिन मतलब बेसिकली कैजुअल गेम है, जिसमें तुम मतलब गेम में बैटल वैटल के, मतलब बैटल तो है पर इतना मतलब हार्ड नहीं होते बॉस, पर इसमें जैसे एल्डर रिंग जैसे होते हैं ना बॉस हार्ड, वैसे टाइप के इसमें बॉस हार्ड होने वाले ऐसा सुना है मैंने। और जैसे कि तुमने देखा इसमें परफेक्ट डॉजिंग टाइप के स्किल्स है, तो जो कि अच्छा है क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा स्किल चेक हो जाता है, जैसे कि मैंने दो बार परफेक्ट डॉज कर दिया बिना उसके मुझे पता भी था। लेट्स गो डाउन देयर भाई, बात नहीं करना, मैं लड़ाई करना है। बैटल वैसे मुझे अच्छा लगा भी गेम में भाई, कोई हमें सिग्नल मिल रहा है, पक्का बॉस आया भाई, बॉस नहीं मतलब एनिमी आ जाए भाई, मजा आ जाएगी लड़ाई भाई। ये क्या झापड़ मारा गया क्या, मैं ये बोलेगी कौन है तू, इसके पास पोकेमॉन है। क्या ये क्या हो रहा है, अरे हेलो, एकदम उड़ते ही हॉरर और जंप स्केयर देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे बॉस आ चुका है मेरे ख्याल से गेम का पहला,
और हम रेडी हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। गाइस क्या तुम अपनी स्किल दिखाने के लिए रेडी हो यहाँ पे? मैं तो हूँ, क्योंकि आजा क्या? अरे चल भाई, डॉज कर रहा हूँ मैं, तो कर भी नहीं दे रहे हो तो। क्या है ये, कौन सा बटन है? Let the winds roar. भाई मैंने भाई बहुत सारे गेम खेले डॉज वाले यार, कल अरे पड़ गया यार, अरे कल बेटे या लगता अटैक से बचना है मुझे। ओ डैम, बहुत देखा किसी ने मेरा, वही मेरे चेंज करके परफेक्ट टाइमिंग पे डांस करी और वो मार दी रहा, बहुत खड़ा हुआ है बॉस। ये हार्ड है, इसको हार्ड बोलते हो? अरे इसको तुम हार्ड बोलते हो ना भाई, तुम भाई बहुत नीचे बता रहे हो। खड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा हूँ। अरे लग गए रे, आजा। और ये हार्ड परफेक्ट टाइमिंग पे, और ये भी ले ले। अरे बच गया, अरे दूसरा फेस भी है, आ जाओ अब हार्ड होगा मेरे ख्याल से, आजा। अरे भाले आ गए उस पे, आजा। अरे डॉच करने की नहीं थी, क्या है ये? अच्छा काउंटर अटैक है, ये क्या था? अच्छा जब ये मारेगा तब मुझे मारना है, गोला लाएंगे। समझना यार, काउंटर अटैक वाला सिस्टम समझ नहीं आया। अरे बस स्पैम करना, पर कॉम्बैट तो अभी मेरे को थोड़ा मजा आ रहा है भाई, क्योंकि वो मार नहीं रहा है, क्योंकि जब मारेगा तब दिक्कत होगी। अरे कल अल्टीमेट टाइम, एफ से क्या होता है? अरे एक्सीक्यूशन स्ट्राइक भाई, कितनी फर्टिलिटी दे दी हमने उसको। तुम्हारा गेम अगर हार्ड होने वाला था तो तुम्हें पहले एक्चुअली थोड़ा सा स्किल इतना रखना चाहिए, क्योंकि भाई बंदे जो आएंगे कैजुअल वाले बंदे, उनको लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा इजी है, अगर घुस गए फिर बाद में छुट जाएंगे तो भाई तुम्हारे नुकसान होगा, क्योंकि उनको हार्ड हो जाएगा ना बाद में उनके लिए, अगर ये हार्ड गेम है तो। क्यों मुझे दिक्कत नहीं है, हार्ड मेरे लिए नहीं, हार्ड कोई सा भी गेम खेल लो। क्लास में पढ़ा था ना, बताओ भाई। ओके तो भाई हम संजीन हुए बेसिकली, ये बोल रहा तुम? हाँ लग रहा है भाई संजीन हुए भाई हम डायरेक्ट। अब क्या बोलो, अराइज लेट्स गो भाई, हम संजीन हुए, मुझे पता नहीं था, तो अपने पास एक शैडो आ गया, इसीलिए मेन करेक्टर जो मेल करेक्टर था वो संजीन हुए से दिख रहा था, अब समझा। अच्छा तो बेसिकली बोला जा रहा है कि जो हमने अभी पकड़ा है वो इलाइट रैंक मॉन्स्टर था, जिसको पकड़ने के लिए भाई बहुत ताकत लगता है, जो कि हमने लेवल में पकड़ लिया तो हम ओवर पावर है, बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है। ओके तो भाई बीच में एक बंदर बोलता है, पत्थर का गोले मारे इसको, मारते आजा भाई लेवल 5 कर, डरते नहीं तेरे से, मार मेरे को। अरे कल अच्छा इसमें शील्ड ही जा रहा है। बैटल तो मुझे पसंद आया इस गेम का, देख रहा Go back. You can only absorb the power of the one, or does it have to be a certain sword? Pokemon. Pokemon. Or maybe. Pokemon, aja. Maybe we should give your terminal a whirl. Arise. Dekha, arise apna secret order hai. Let's go. Main Sanjin hu basically. Ab isse kya hoga? Ye kar sakte hain? What? Ab ban sakte is Pokemon? Mujhe idea nahi tha. Mujhe laga ki hum bas padh payenge aur artifact hoga. ये तो सही चीज कर दिया रे, अब तो भाई मुझे आएगी। मैं डॉच कर देता रैंडमली बंदे को, बोलता हूं डॉच कैसे कर रहा पीछे से, उसने पीछे से अटैक किया था भाई। ये क्या बटन है? ये बटन है कुछ ना, माउस का समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या है। अच्छा ये टारगेट कर सकते हैं, अरे भाई एल्डरिंग हो रहा है कभी। अच्छा जी एल्डरिंग हो रहा है, देख रहे हो। अरे ये सही चीज़ है, पता है अगर तुम बोल रहे हो ना हार्ड होने वाला है तो ये सही चीज़ है, टारगेट करके मारो पकड़ भी। और इसका बाल चमक रहा है, तुम्हारे को ना भाई
जेंसी के बारे बात नहीं करूँगा, पर भी तो और कौन अभी तेरे बाल चमक रहा है, ये देखो डीजे है। इसको ऑब्जर्व करने का ऑप्शन है, मतलब किसी किसी को ऑब्जर्व करने का, मेरे ख्याल से लेवल के ऊपर डिपेंड करता होगा, क्या पता है रिकॉर्ड में ना दिखे, हो सकता है क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कि मतलब मैं रिकॉर्ड करता है तो रिकॉर्ड मतलब गेम खेलता है मुझे लाइक दिख रहा है, पर रिकॉर्डिंग में स्मूथ दिख रहा होगा। बताओ व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, बताओ क्या कर सकते हैं, वी कैन स्किप, लेट्स गो, वी कैन स्किप द गेम, मतलब गेम नहीं मतलब कर सकते, ये अच्छा चीज़ है, तुम स्किप करें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, गैलेक्सी वाले मेरे को चाहिए गैलेक्सी में, जिससे मैं पूरे स्टोरी स्किप कर दूँ फिर जब हार्डर आर कर आए तो बोलो ये कौन है इमेजिन पूरे स्किप करने के बाद ऐसा आ जाएगा गैलेक्सी में, तुम्हें पता ही चल रहा है कि ये कौन है ये। और इसमें एक चीज़ पता चला मुझे, एक चीज़ भाई देखो, जैसे ये कट सीन से मतलब तुम्हें बाहर निकालते हैं ना, तो होता क्या है कि तुम अपने करेक्टर का मतलब सेंसिटिविटी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या हम पैड कर सकते हैं, अरे भाई कम क्या मैं पैड कर रहा हूँ इसको, व्हाट पैड भाई, ये कैसा पैड था भाई, सबसे भाई वाईफाई भाई ब्लूटूथ पैडिंग की है भाई मैंने, अरे सारी गाने इस पे यहाँ पे लैग नहीं हो रहा भाई, ऐसा बाहर में चल जाए तो मजा आ जाएंगे, पता नहीं गेम में या ऑप्टिमाइज नहीं है या पता नहीं कुछ सीन है इसमें, या मेरा पीसी भाई संभाल नहीं पा रहा बाहर, क्योंकि मीडियम ग्राफिक में तो चल जाना चाहिए यार, इतना भी गंदा नहीं है, मैं पीसी चलो कम ऑन यार, व्हाट इज हैपनिंग, मैं चल नहीं पा रहा हूं, ओके एक नया बॉस जो कि कूल दिख रही है, लीव मदर, कन्वीन, कन्वीन मतलब क्या होता है, कन्वीन मतलब होता है गैम्बलिंग, एक विश से हमें 4 स्टार मिलेगा, मेरे को गारंटी होता है, क्योंकि 4 स्टार तो दिक्कत की बात नहीं है, मैं बता सकता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अरे मैंने स्किप कर दिया, बात कर रही है, बोलने लगी, रोवर बोलने लगी, अच्छा भाई जी नहीं रोवर ही हम तो, कितना बात मत कर भाई, ट्रैवलर भाई गेंशिन का ट्रैवलर बोल रहा हूँ भाई, तो पूरा मेरा जितना पूरा गेम में बात किया वो तो अभी 1 सेकंड में बात कर देगी, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, पता है इसमें क्या सीन है, कि ऐसा लग रहा है कि नहीं गेम ना मतलब स्टोरी ओरिएंटेड नहीं है, बेसिकली ये बैटल वाला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें भाई ये क्या है, मैं टाइम चेंज कर सकता हूँ, हाँ तो मैं बोल रहा था कि देखो ये स्टोरी ओरिएंटेड नहीं, इसमें मतलब स्टोरी तुम स्किप कर सकते हो बेसिकली, और ये बैटल वाला होने वाला ज्यादा, तो मैं भाई एक्साइटेड हूँ बैटल करने के लिए, क्योंकि मैं भाई बंदे से लड़ने जाना चाहता हूँ स्टोरी करने के अलावा, अगर गाइस कोई पीसी में खेल रहे तो मुझे बताना कमेंट्स में कि ये लैग सिर्फ मेरे में और ओपन वर्ल्ड में या तुम पे भी हो, ज्ञान व्हाट स्क्रम ज्ञान ध्यान नहीं है भाई, ये ज्ञान तो भी थोड़ा सा बदला बदल दिख रहा है यार, बड़ा होकर भी थोड़ा ज्यादा चेंज नहीं हो गया भाई ज्ञान, मुझे याद है लास्ट टाइम देखा तभी थोड़ा सा इसका भाई हेल्दी था बंदा, डैम स्याल तक कर दे तो यार, अरे भाई कलर तो है तबाही भाई, जो भी वो कलर था मुझे अच्छा लगा इस कैरेक्टर के, 5 स्टार है, और ये भाई स्वीट है भाई, बहुत भाई आई लाइक इट भाई, इस टाइप के गेम प्ले मुझे पसंद है, देख स्वीट है और परफेक्ट है इसकी तरह, हा कमेंस हीलिंग, हिल मी थॉट सबसे बेस्ट लग रहा है, खेलू मेरे दूसरे बैठा सा पर ये ज्यादा लंबा नहीं था वर्ल्ड, तो अभी 20 लेवल तक तो जैसे मुझे गेंशिन का जहाँ तक एक्सपीरियंस है तो 20 लेवल तक तुम किसी भी करेक्टर को इसमें अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल तुम्हें मिल जाएंगे 20 लेवल तक तो हर करेक्टर को अपग्रेड करने के लिए, तो अभी तुम किसी को भी अपग्रेड कर सकते हो शुरू शुरू में, और बाईजी हीलर है तो मैं इसको गारंटी इसको हमें पूरा अपग्रेड करूँगा, क्योंकि हीलर हर गेम में इंपॉर्टेंट होता है, इतना मुझे करना, मारियो लेट्स गो मारियो, टी
स्कैन मार रहा बताओ भाई अब्सॉर्ब नहीं यार अराइज आई मीन अराइज अराइज डैमेज तो कर दिया इनके बॉस आ जाते खड़े रहते हैं मैं बता रहा हूँ मारते नहीं देखो खड़ा हुआ है कुछ नहीं कर रहा तुम देख सकते हो मारता नहीं है पर मैं डैमेज कोई भी डॉच कर दिया फिर वो डैमेज कर रहा पर मैं हील कर लूँगा क्या था क्या Administering first rejuvenating snow. Oh, palati gaya bhai. Bichara ek hit mara iska palati gaya. Swift and resolute. I sense your weakness. Moment of resonance. Mujhe laga tum maar denge par kaha gaya. Aisa nahi bete. Leave it to me. And their boss. Arise. Are, 4 star mil gaya mujhe. डैम भाई क्या हाथ से पूछ रहे भाई अरे भाई अरे भाई रुको रुको ये क्या हो रहा है देखा तुमने इट्स इम्पॉसिबल फिजिक्स के नियम तोड़ा जा रहे हैं यहाँ पर कहाँ गया बॉस का टारगेट क्या फायदा अगर वो उसको देखता भी नहीं बता रहा हूँ ये मतलब भाई कैमरा गन को फीस कर रहा था ये बंदा जब उठा जाता है ना देख नहीं रहा उसके पीछे नहीं रहा डॉच तो बस आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही तो मैं बोलूँ तो गेम भाई अभी तक तो मैं खेल रहा था इसको तो जितना भी मैंने इसको खेला तो मुझे अभी उतना मतलब मज़ा तो आया अभी डिसेंट मज़ा आया ऐसा ही बोलूँगा एकदम भाई मज़े आ गए नया एक्सपीरियंस मिल गया एक्सपीरियंस के मामले में सेम गैंसी नहीं जैसा है कुछ नहीं बोल रहा झूठ नहीं बोल रहा मैं ऐसा लगेगा कि तुम गेंसिन खेल रहे हो दूसरा नया मैप खेल रहे हो गेंसिन का नया मैप आया है भी ऐसा लगेगा बेसिकली और इसमें बैटल कॉम्बैट्स भाई मुझे सही लगा ये बैटल कॉम्बैट तरीका भाई मज़ा आ गया इसमें उसमें डॉजिंग वाला है वो भाई मज़ा आ गया सही बताऊँ तो इसमें और इसका जो स्टोरी है मैंने स्टोरी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मैंने स्किप करके देखा तो मैं नहीं बोल सकता पर शुरू शुरू जहाँ तक मैंने देखा शुरू शुरू जो स्टार्टिंग जैसे हुई है वो बहुत जनरिक हुई है मतलब कि एकदम बता सकते हो कि क्या होने वाला नॉर्मल एनिमे प्लॉट है क्वालिटी ऑफ लाइफ में मुझे ये क्लाइंबिंग वाला सबसे अच्छा लगा स्पाइडर मैन जैसे क्लाइंब कर सकता है और टेलीपोर्ट टीपी कर सकता है कहीं पे भी टीपी बोलता है आई मीन ग्रैपल कर सकता है कहीं पे भी ये मुझे अच्छा लगा इसमें एक दो चीज़ें हैं और स्किप बटन सबसे अच्छा चीज़ है जो कि भाई स्किप कर दे जिससे तुम्हें स्टोरी पता चले ये भी अच्छी चीज़ है अगर मान लो तुम एक बार स्टोरी खेल चुके हो और दूसरे अकाउंट में तुम स्टोरी स्किप करना चाहते हो तो ये अच्छे है उसके लिए तो इसको मैं ऑफलाइन ऑब्वियसली खेलने वाला हूँ अभी तो इसको मैं मेरे पास 10-20 ऐसे फाइव स्टार है तो अगले मेरे जब भी इसको वीडियो बनाऊंगा तो मेरे पास 5 स्टार होने वाला है और हाँ अभी के लिए बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और लाइक करना चाहे मैंने सब्सक्राइब कर दिया तब तक के लिए ये जिगर फिक्स से देख लो ये ओह माय गॉड अरे व्हाट इज दिस अरे